सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये उन लोगों की मीटिंग है जिनको अगले 10 दिन अपने अपने बूथ पे लड़ाई लड़नी है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। दो दिन पहले मैं भवानी खेड़े में आया था तो 3 किलोमीटर का रोड शो था, 2.5-3 किलोमीटर का। सिर्फ अगले 10 दिन दे दो, अगले 5 साल सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी ने भी, मैं वादा करता हूँ। लेकिन जंग के मैदान में पता चलता कि कौन अपना कौन पराया है। तारा छोरा तारा भाई नैड कटा लेगा पर पाछे नहीं हटेगा किसी अपनी बात से। सारे भाइयों को बता देना चाहता हूँ, आपसी भाईचारे से रहना है, 36 कौम का भाईचारा रख के आगे चलेंगे कि तारा छोरा तारा भाई को पहला काम करेगा तो भवानी खेड़ा का पानी उल्टा लेकर आओगा। अगर भवानी सब डिविजन बनानी होती बीजेपी ने तो 10 साल राज तो कर लिया, फिर क्यों नहीं बनी? राज लोगों के हिसाब से चलना चाहिए, लोग राज के हिसाब से चलेंगे। यो तारा चुनाव है, इब हंगा लागे ठहर दो उसने पूरा। तो भवानी खेड़ा के इस कार्यक्रम की पूरी आयोजक कमेटी को, हमारे बहुत ही मेहनती छोटे भाई नरेंद्र तंवर जी, बलजीत राणा जी, सुरेंद्र वाल्मीकि जी, राजू सांगवान जी, विकास तंवर जी, रंजन ओढ़ जी, मंजीत राठौड़ जी, पोन्ना तंवर जी, दिलबाग भाकर जी, हमारे यहाँ मौजूद अमन राघव तंवर जी, हमारे पहले जो विधायक लड़े हैं हमारे मनमोहन भुटाना जी, हमारे निटू सरपंच भाई, किसी का नाम रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, इस पर इतने लिखे थे। ये युवा मीटिंग से ज़्यादा मेरे जंगी साथियों की मीटिंग है, ये उन लोगों की मीटिंग है जिनको अगले 10 दिन अपने अपने बूथ पे लड़ाई लड़नी है। और लोग कहते हैं कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, जो जवानी मेरे साथ चल पड़ी जमाने में चल पड़ेगा भवानी खेड़ेगा। मुझसे 2 दिन पहले नरेंद्र भावेपुरी आवाज कमेटी आई थी, सब ने कहा कि हम बहुत अच्छा ताकतवर प्रोग्राम कराएंगे, आप आओ। और वाकई में आप सबकी आयोजक कमेटी ने ये साबित कर दिया कि भवानी खेड़ा भी एक तरफा हो चुका है। 2 दिन पहले मैं भवानी खेड़े में आया था तो 3 किलोमीटर का रोड शो था, 2.5-3 किलोमीटर का। पूरे रास्ते भाई आपस में ना बोलो मेरा गढ़ खराब हो रहा है, आपस में ना बोलो, 2 मिनट समझाओ मेरा, आपस में ना बोलो। 3 किलोमीटर तक लोग ही लोग ट्रैक्टर ट्रैक्टर थे, फिर ये आए भाई आए बोले फिर तो भवानी खेड़ा बुलाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि यार अभी तो है, फिर 2 दिन पाछे कितने लोग आओ सुन, रोज रोज लोग भी नहीं आ सकते, चौधरी साहब भी आंकड़े हैं। परंतु आज आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में आप पहुंच के ये साबित कर दिया कि भवानी खेड़े ने, मेरे बुजुर्गों ने, आप सब युवा साथियों ने, मेरे साथ खड़े संघर्षशील जंगी घोड़ों ने, मेरे बुजुर्गों ने, माताओं ने इस बेटे के, इस भाई के सिर पे हाथ रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने युवा साथियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ इस मंच से, अपने बुजुर्गों को जिन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के मेरे आसिर पे जिम्मेवारी दी है, उनको मैं सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ। मेरे युवा भाइयों जो सब यहाँ खड़े हैं मेरी फौज की तरह,
सबको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग मुझे आज 25 तारीख है, सिर्फ अगले 10 दिन दे दो, अगले 5 साल सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी ने भी। मैं वादा करता हूं, सिर्फ 10 दिन दे दो, अगले 5 साल किसी को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 10 दिन मांग रहा हूं सबसे, अपने फेसबुक से, इंस्टाग्राम पे, रिश्तेदारों में, फोन पे, जैसे भी जो माने फोन करो, लोगों के पास जाओ, लेकिन एक एक आदमी से वोट मांगो। अब आप सब जितने खड़े हो सारे मेरे सगे भाई की तरह हो, क्योंकि जंग के मैदान में पता लगता कौन अपना कौन पराया है। सगी संबंधी, सगे संबंधी सारी उम्र रहे हैं, रिश्तेदार सारी उम्र रहे हैं, कोई कहन के हुआ, कोई अच्छे हुआ, कोई बुंडे हुआ, कोई दिखाने के रहे हैं, लेकिन जंग के मैदान में पता चलता कि कौन अपना कौन पराया है। इस चार दीवारी में जितने भी लोग आज मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, भवानी खेड़े के लोग, जितने लोग इस पूरी लड़ाई मेरे साथ खड़े हैं, असली मेरा भाईचारा, मेरा परिवार वही है लोग हैं। रिश्ते हमेशा खून के नहीं होते, रिश्ते भाईचारे के भी होते हैं, रिश्ते दोस्ती के होते हैं, रिश्ते आशीर्वाद के होते हैं। आज आप लोग इतनी ताकत से मेरे साथ लगे हो, इतनी ताकत से मेरे साथ खड़े हो, तो मैं एक बात कह रहा हूं कि मैं भी आज तक वचन से पीछे नहीं हटा हूं। आप लोग मेरे साथ खड़े हो तो तारा, हमारे बुजुर्ग यहां बैठे हैं, तारा छोरा, तारा भाई नैड कटा लेगा पर पाछे नहीं हटेगा किसी अपनी बात से। पर सारे अगला 10 दिन हंग ला दो भाई, कसर नहीं रहनी चाहिए 1% भी। सब ने बेरा है, भवानी खेड़ा ने बेरा है, बोले कपूर कल मेरा तो कोई लेना देना कोई नहीं, अपना तो ठीक भाई है बेचारा, पर कपूर ने बेचारा ने खुद बेरा है, विधायक बने पाछे 5 साल तुम बेरा पटन में लाग जा, आदमी ने विधायक हो नहीं जाने, सबने कई भाइया ने तो पाछे विधायक था, आगे बढ़ेंगे लोग ना पहले ना माखरी, माने बात तो मेरे तो पहला कही रहे हैं विधायक, आगे भी कौन बनेगा, फिर तो काम को धाम जिता दोगे। लेकिन सारे भाइयों को बता देना चाहता हूँ, आपसी भाईचारे से रहना है, 36 कौम का भाईचारा रख के आगे चलेंगे, सबका बड़ों का सम्मान रख के आगे चलेंगे, और सारे भाई मिलके एक अच्छा नया प्रगतिशील विकासशील भवानी खेड़ा बनाएंगे हरियाणा के अंदर। और युवाओं को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई नौकरी का सवाल हो, पानी का सवाल हो, एक दादा है मेरे धोरा है, फिर एक बाबा है मेरे धोरा, दोनों एक की बात बोली, बोले मैं भवानी खेड़े का पानी लेकर आना है। और मैं हर मंच तब कह सकता हूँ, हर जगह मैंने कही है कि तारा छोरा, तारा भाई को पहला काम करेगा तो भवानी खेड़े का पानी उल्टा लेकर आओगा। वक्त बहुत कम रह रहा है, समय बहुत कम रह रहा है, इससे पहले मैं बाहर में गया था वकीला में, ओडा भी मैं के बाद कह गया हूँ कि यो तारा भाई 36 कौम का भाई है, सारे युवाओं का भाई है, ये तो हम जितने भी खड़े हो सारा मेरे हाथ पड़े काम करवा सको, करवा सको, करवा सको है, बाकी निकले टूटे टूटे हंड हो गए है न, बोले बाहर था है, अरे बाहर था कि नहीं तो अपना मान लिया, भवानी खेड़ा ने गोद ले लिया, अपना मान लिया। ये वकीला में एक बात क्या कहा हूं मैं कि वकीला ने मेरे आज तक सारे केस लड़े, उनसे क्या कहूं, जनता मेरा केस लड़ो, इब तो हम सारे भाई रे खड़े हो, सारी नौजवान शक्ति यहाँ खड़ी, हमारे बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, इब जनता में जाएगा जागा मेरा केस लड़ो, ताकत तक केस जीत का हो, जीते पाछे तारा भाई दिखावा कि क्या करे भवानी खेड़ा खातर। इस भवानी खेड़ा को नंबर वन भवानी खेड़ा बनाएंगे हरियाणा में, कि चंडीगढ़ तक लोग कहेंगे भाई हल्का हाथों से होना चाहिए, काम हाथों से होने चाहिए, और एक एक की शक्ल याद है, कुछ सोचता हो जिस जिसको देख रहा हूं, एक एक की शक्ल याद है, एक एक भाई की शक्ल याद रहेगी, क्योंकि मैं विधायक विधायक बनने के लिए लड़ रहा, एमएलए का चुनाव सिर्फ एमएलए बनने के लिए लड़ रहा हूं,
इसलिए लड़ रहा हूँ सबकी सेवा कर सकूँ, इसलिए लड़ रहा हूँ। ये कुआस को 5 साल पक्ष है कि मैं वाकई भवानी खेड़ा बन गया है। अंत में सारे भाइयों का, इस भाई का, सभी भाइयों का, जिनका मैं नाम लिया, राणा जी का, सभी भाइयों का, हमारे वाल्मीकि समाज के साथी थे, गुस्सा जी समाज के साथी थे, सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक बात कह रहा हूँ कि स्टेडियम हो, निकासी का सवाल हो, सब डिवीजन का मामला हो, इब एक दिल पर हाथ रख कर बताओ, सारे भाई खड़े हो, अगर भवानी सब डिवीजन बननी होंगी जो पिछले 10 साल में बनाए दें, बताइयो, अगर भवानी सब डिवीजन बनानी होंगी बीजेपी ने, तो 10 साल राज तो कर लिया, फिर क्यों नहीं बनी? तो चलो मैं नाम नहीं लेंदा, अपनी तरफ से कहता, हालांकि इस प्रचार में बीजेपी का कम नाम लिया, बंदू बताया मैं क्या करूंगा। भवानी ने ना सब डिवीजन बनाई, ना उन्हें स्टेडियम खुला। भाई युवा साथियों, कोई कुछ कहो बात तब विश्वास न करियो, इस भवानी सब डिवीजन बनावांगे, उरा स्टेडियम भी खोल लांगे, और उरे तो एसपीडीसी ने बुला काम करांगे भवानी में, क्योंकि इब तब अपना भाई थे, अपना छोरा थी, ताकत दोगे, हमारे बड़े यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग कुछ वहां बैठे हैं, हमारे बड़े बैठे हैं, तब अपना छोरा थी, भाई थी, ताकत दोगे, तो इतना हंगा तो मैं भी लाऊंगा कि सारे अफसर बुरा बुला काम करा, इतना हंगा तो मैं भी लाऊंगा। राज लोगों के हिसाब से चलना चाहिए, लोग राज के हिसाब से चलेंगे, अफसर बस चाचा एक मैं पूरी कर लूं फिर तो ये सारी सुन लूंगा मैं, बस 2 मिनट रहेगी। अफसर लोगों के हिसाब से चलने चाहिए, पिछले 10 साल तक लोग अफसर के हिसाब चल रहे हैं, फिर सरकार ने चलाया है, विधायक अफसर के हिसाब चल रहे हैं, तो समझ लो ये फैसले गांव की पंचायत मर भवानी खेड़ा है, फैसले भवानी में बैठ के करवावांगे, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े, अगले 5 साल में सभी का हाथ जोड़ के मेरे बड़ों का मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना आशीर्वाद दिया जहाँ भी जाते हो, माताओं का धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया, मेरी माताएं वहाँ बैठी, मैं आऊँगा आपके पास ही आऊँगा, ये माइक छोड़ दे। और मेरे युवा साथी जो चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े हैं, सारे भाई जो पूरी ताकत से मेरे साथ खड़े हैं, पूरी ताकत से, सारे पीछे भी खड़े आगे भी खड़े हैं, सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुन लो भाई, यो तारा चुनाव है, इब हंगा लागे ठहा दो इसने पूरा, ठीक है ना, उठ तो लिया, अब इसने पार कर दो, पार हो गया कति, पार कर दो, चचा एक मिनट आखिरी बात, चचा एक आखिरी, अच्छा है मैं आगे घुमा था, उरे सब की मुड़े बिठा देंगे, सेक्रेटरी चिंता लग रहा है, चीफ इंजीनियर उन्हें बुला लेंगे, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुनो भाई, लोकसभा में हम जीते थे यहाँ पे 200-250 वोटों से, 282 थे, ठीक है 300 वोट मान लो भाई, 2 बूथ खुले गोंदे वहाँ पर जीत रहे थे, ठीक है ना, अब इसका क्या नु बताओ, 2 जीरो लानी सबने, ला दोगे कम से कम 30,000 की, एक मिनट, कम से कम 30,000 की जीत करनी है, इसने उपमंडल बिठावांगे, यो को तहसीलदार नहीं बैठता, चिंता लग रहा है, एसडीएम ने बैठना मजबूर कर देंगे, ठीक है ना, इनकी चिंता लग रहा है, हल्का प्रदीप नरवाल का होगा, तारा छोटा बेटा का, तारा भाई का हल्का होगा, और मेरे हल्का में मेरे भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे माताओं को किसी परिवार की दिक्कत नहीं आने देंगे, ना माना चाहता, फिर मेरा बनाने फायदा के न बताओ, अगर फिर भी तहसीलदार नहीं बैठा, एसडीएम नहीं बैठा, फिर मेरा बनने का फायदा के, फिर तो बाकी में की कमी थी, मैं कह रहा हूँ बाकियाँ फिर की कमी थी, यो ही तो काम करवाना है कि सरकार आने के बाद तहसीलदार को एसडीएम बिठावा, चिंता ना करो, हाँ गला दो, बोलो कांग्रेस पार्टी, हाथ ठाक बताओ, सारे मेरे गिले हो गए, नहीं हाथ ठाक बताओ, सारे हाथ ठा लो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का,
ईव रोड शो में चल लेंगे, आराम से चलना है।